छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के हारने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, हिंदुत्व का मुद्दा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पंचायत स्टडी में। और आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे चार कारणों के बारे में जिससे कांग्रेस सरकार को हिंदुत्व के मुद्दे पर एक भी वोट नहीं मिला। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वहाँ कौन से चार कारण हैं और वीडियो को देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वहाँ कौन से चार कारण हैं जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हिंदुत्व के मुद्दे पर एक भी वोट नहीं मिला। तो चलिए जानते हैं वहाँ कौन से चार कारण हैं। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को वोट नहीं मिला, उसका फर्स्ट कारण है, पहला है, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासियों का धर्मांतरण हुआ। तो जब से कांग्रेस सरकार आए थे तब से बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का धर्मांतरण हुआ चालू हो गया था। तो इसी कारण हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला। और दूसरा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल द्वारा भगवान श्री राम को अपशब्द कहना। तो नंद कुमार बघेल द्वारा भगवान श्री राम को अपशब्द कहा गया था और कई भी ऐसे शब्द का उपयोग किया गया था जिसे कोई भी हिंदू बोलना नहीं चाहता। तो इसी कारण भी जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण के कारण आदिवासियों और ईसाइयों के बीच हिंसक झड़प होना और कांग्रेस सरकार द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना। तो धर्मांतरण के कारण ईसाई और आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हुआ था, इसमें कांग्रेस सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया था। इसी कारण जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को इस कारण से भी कोई वोट नहीं मिला। और चौथा कारण है, साजा विधानसभा में ईश्वर साहू के बेटे की कट्टरपंथियों द्वारा निर्मम हत्या किया गया, जिसमें कांग्रेस सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर इस कारण भी कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ में एक भी वोट नहीं मिला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप वीडियो को देख कर वहाँ चार कारणों के बारे में पता चल गए होंगे जिससे कांग्रेस सरकार को हिंदुत्व के मुद्दे पर एक वोट नहीं मिला। तो आशा करते हैं कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पंचायत स्टडी नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।